पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों को राशन वितरित किया। इसी के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सांसद वरुण ने ट्वीट किया, तराई का ज्यादातर इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया है ताकि इस विभीषिका के खत्म होने तक कोई भी परिवार भूखा न रहे। ये दुखद है कि जब आम आदमी को प्रशासनिक तंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब सब कुछ अपने आप ही करना है तो फिर सरकार का क्या मतलब है। फिलहाल उन्होंने सभी ग्रामीणों को नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। घर खत्म हो गए, फसल नष्ट हो गई है, लोग बिल्कुल इस समय भूखे प्यासे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, भोजन हमने की है ताकि कम से कम एक एक हफ्ते आदमी को ड्राई राशन मिले। आप पैकेट आपके लिए लाए हैं, मैंने काफ़ी हद तक अपने हाल से बांटे हैं, लेकिन प्रधान जी का और सब लोगों का ये कहना है कि मैं चले जाऊँगा अभी और घर पर जो ज़रूरतमंद है वो बांट दिए जाएंगे, वो तो इस तरीके से निकल आ जाएंगे। तो इनकी बात को स्वीकार करते हुए मैं जा रहा हूँ, मैं प्रशासन से बात करूंगा। मैंने बात ऑलरेडी की है, आपने देखा हमने हेलीकॉप्टर भी भेजा था शाहजहाँपुर के लोगों को बचाने के लिए, हमने सब लोगों को यहाँ भेजा, मुहैया कराएंगे। जिसका जितना नुकसान होगा एक एक रुपये हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे ताकि लोगों का अधिकार मिले और नए सिरे से लोग अपने जीवन को शुरू कर पाए। साथ ही साथ पूरनपुर ब्लॉक प्रमुख के पुत्र आशुतोष दीक्षित की टीम के द्वारा बाढ़ प्रभावित नौजलिया बूंदी रमनगरा में लगातार तीसरे दिन ब्लॉक प्रमुख रसोई के माध्यम से मंडल महामंत्री अचलेंद्र मिश्रा, अंकुर मिश्रा, अखिलेश मौर्य, सुनील मिश्रा विधानसभा आईटी संयोजक अचल मोहन पांडे, अनुपम शर्मा, रूपेश मिश्रा आदि के द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों को घर घर जाकर भोजन पैकेट वितरित किए एवं लोगों का कुशल क्षेम जाना।